देखिए इस तरह से इसको निकाल लीजिए, हल्का हल्का इसके गरम ऑयल जो है उसके ऊपर छिटकते रहिए। इससे क्या है कि ज़बरदस्त खुलेगा और इसकी कलर देखिए कितनी लाजवाब बन चुका है। हेलो फ्रेंड्स, आज आपको बना के दिखाएंगे होटल स्टाइल भटूरे। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए भटूरे बनाने के लिए हमने लिया है मैदा। मैदा का जो क्वांटिटी है वो 500 ग्राम है, इसकी पैकेट है आधा केजी का, तो आप इसमें क्वांटिटी हिसाब से ले लीजिए। मैंने ये आधा किलो बना रहा हूँ। इसमें ऐड करेंगे सूजी। ये देखिए सूजी है 100 ग्राम। सूजी का जो काम है वो आपको जो भटूरे है ना वो क्रिस्पी बनाते हैं, बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी बनाता है ऊपर से। और ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून शुगर। सॉल्ट और शुगर की जो काम है ये आपको टेस्ट, जो भटूरे का जो टेस्ट है ना वो आपको ला के देगा। और इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। आप बेकिंग पाउडर ऐड करना है, बेकिंग सोडा बिल्कुल ऐड नहीं करना। सोडा से ऐड करने से आपको क्या होता है, आपकी जो कलर है भटूरे के वो पूरा अलग टाइप का आता है, उसमें मज़ा नहीं आता। तो आप कोशिश करना बेकिंग पाउडर ऐड करने के लिए। और इसकी जो काम है बेकिंग पाउडर के फुलाता है। इसके बाद आपको ऐड करना है दही। दही देखिए 2 चम्मच, लगभग 50 ग्राम दही यहाँ पर ऐड करना। इससे क्या होगा, दही का जो काम है ये मैदा का जो है ना बाइंडिंग बनाता है, बहुत ज़बरदस्त टक्चर लाता है, इसलिए दही यहाँ पे यूज़ किया जाता है। अभी क्या करना, इसको मिलाएंगे अच्छी तरह से, फिर इसमें पानी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपको क्या करना, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है। एक बार में ज़्यादा पानी बिल्कुल मत ऐड कीजिए, नहीं तो आपको जो डो है वो ढीला हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके इसको मिक्स करते रहिए और इसको एक डो बना लीजिए। देखिए इस तरह से आपको हल्का हल्का पानी यहाँ पर ऐड करना है और अच्छी तरह से इसको बनाना है। देखिए आप एक चीज़ ध्यान रखना, इसकी जो डो है वो ज़्यादा टाइट नहीं होने चाहिए बिल्कुल, और गीलापना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मीडियम रखना। उससे क्या है बहुत ही बढ़िया तरह से भटूरे आपको निकलेगा। देखिए इस तरह से हल्का सा हाथ में पानी लगा लेना और इस तरह से इसको अच्छी तरह से छानना है। देखिए आप थोड़ा सा इसको पॉलिश अच्छी तरह से करना है, जितना पॉलिश आप अच्छी बढ़िया तरह से करेगी उसकी जो कलर है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा भटूरे का इस तरह से। अभी इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा 1 टीस्पून हाथ में ऑयल, ये देखिए 1 टीस्पून जैसा ऑयल लगा लिया है, और ऑयल से फिर दोनों साइड में लगा लिया और इसमें मालिश करेंगे इस तरह से। इस तरह से आपको अच्छी तरह से मालिश कर लेना है। ये देखिए देखिए मैं किस तरह से लगाया है, आप देख सकते हैं भटूरे का डो में किस तरह से लगाया है। इस तरह से आपको लगा लेना है और अच्छी तरह से इसको मालिश कर लेना है। उसके बाद इसके ऊपर मैंने क्लिनअप मारेंगे और 2 से 3 घंटा इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे। इससे क्या होगा, भटूरे की जो है ना उसकी जो फुला फुला बहुत ज़बरदस्त आएगा, उसकी कलर भी बहुत बढ़िया आएगा। देखिए मैंने इसको क्लिनअप से कवर कर रहा हूँ। आपको पास क्लिनअप नहीं है तो आप एक कपड़ा को थोड़ा सा भिगा कर ढक के रखिए। देखिए इस तरह से मैंने अभी इसको 3 घंटा रेस्ट देंगे। देखिए अभी क्या करना है, मैदा को देखिए कितना बढ़िया से ये डो बना है। देखिए देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त। अभी क्या करना है, हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाना है और इसके ऊपर हल्का सा लगा देना है। यहाँ पर आप बिल्कुल ड्राई जो सूखा मैदा है वो बिल्कुल ऐड नहीं करना, उससे आपको भटूरे जो है वो बहुत ही बढ़िया नहीं बनेगा। तो अभी इसको देखिए, आपकी इसकी जो डो है ये छोटा भी कर सकता है, इससे बड़ा भी कर सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं देखिए इस तरह से इसको डो कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से आपको हाथ से घुमा लेना राउंड राउंड शेप में, आप छोटे चाहे बड़े साइज कर सकते हैं। देखिए इसी तरह से आपको घुमाना है हाथ से, आराम से आसानी से इसे घुमा लेना है। देखिए और इस तरह से साइड में रख देना, देखिए लाइन बाय लाइन करके सजा के रख देना है। हम होटल वाला क्या करते हैं, इससे ज़्यादा क्वांटिटी में लगाते हैं और इसे हाथ से ही घुमाते हैं। आप बेलना से भी घुमा सकते, आपको दिखाऊंगा किस तरह से घुमा लेना है। देखिए इसी तरह से आपको लगा लेना है और इसके ऊपर हल्का सा देखिए
हाथ से, हाथ में ऑयल लेना है और इसी तरह से इसमें थोड़ा लगा के रखना, ये देखिए इस तरह से एक मिनट रख देना। देखिए अभी मैं आपको दो टाइप का दिखाता हूँ, पहले क्या करना, उंगली से, उंगली में ऑयल लगा के आप इसी तरह से देखिए, इस तरह से आप चार ही राउंड में फैला सकते हैं इस तरह। फिर क्या करते हैं आप हाथ में इसी तरह से इसको घुमा लेना, ये देखिए इसी तरह से आपको, ये है एक स्टाइल, ये देखिए इसी तरह से आपको ऑयल में इस तरह से ढाल देना। और दूसरा टाइल आपको मैं दिखाता हूँ बेलना से। हम होटल में क्या करते हैं, ज़्यादा जब पैक्स होते हैं तो हम हाथ से बेलते हैं, उससे क्या है फटाफट हो जाते हैं। और ये देखिए आप बेलना से भी इस तरह से बेल सकते हैं, इस तरह से आप बेल के इसको फ्राई कर सकते हैं, देखिए इसी तरह से। ये बहुत ही आसान है बेलना से, ये देखिए इसमें बिल्कुल आप सूखा मैदा मत ढलिए, ऑयल ढाल के यूज़ करिए, देखिए इस तरह से। दूसरा भी आपको एक बेल के दिखा रहा हूँ, इसी तरह से आपको ज़बरदस्त क्वालिटी से बेलना है, ये देखिए इसी तरह से आपको साइज, वो आपको ऊपर डिपेंड करेगा किस तरह से रखना। चलिए अब इसको मैं आपको फ्राई करके दिखाता हूँ। देखिए तेल को जो है थोड़ा सा हीट रखना है, इससे क्या है बटोरा बहुत ही ज़बरदस्त फूलते हैं। और ये देखिए हल्का हल्का से इसका गर्म ऑयल जो है उसके ऊपर छिटक देना है, और ये देखिए इसको थोड़ा सा पलटी मारना है, और देखिए कितनी फर्स्ट क्लास और कितनी बढ़िया सा बन चुका है हमारा बटोरा। इसकी कलर देखिए कितनी लाजवाब है। और एक बार आपको दूसरा बना के दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरह से इसको डाल दीजिए, हल्का हल्का इसके गर्म ऑयल जो है उसके ऊपर छिटकते रहिए, इससे क्या है ये ज़बरदस्त खुलेगा। और इसकी कलर देखिए कितनी लाजवाब बन चुका है। इसी तरह से आपको क्या करना है बनाना है। उम्मीद है मेरा रेसिपी आपको पसंद आया, चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।